नमस्कार आदाब, आपके साथ मैं हूं इरफान पठान और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीके। न्यूज़ पीके में शुरुआत करते हैं मोहब्बत टाइम्स की, लेकिन सबसे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांडा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में। मोहब्बत टाइम्स की हर एक खबर के साथ मैं हाजिर हूं। आइए मोहब्बत जनपद की हर एक छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मोहब्बत के पुलिस लाइन में प्रयाग जॉन की 25वीं अंतर जनपदीय पुलिस वार्षिक बास्केटबॉल, हेडबॉल, वॉलीबॉल, योगा के दूसरे दिवस पर आयोजित हुए तमाम खेल। दरअसल आपको बता दें कि महोबा के पुलिस लाइन में प्रयागराज जॉन की 25वीं अंतर जनपदीय पुलिस वार्षिक खेल प्रतियोगिता चल रही है, जिसके दूसरे दिन पर खेलों का आयोजन क्षेत्र अधिकारी नगर राम प्रवेश राय, क्षेत्र अधिकारी संगम कुमार की उपस्थिति में हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी पुलिस खिलाड़ियों का क्षेत्र अधिकारी द्वारा परिचय प्राप्त कर सभी को प्रतियोगिता में जीत की अग्रिम बधाई दी गई। चल रहे मैच में उपस्थित रहकर सभी खिलाड़ियों का तालियां बजाकर उत्साह भी बढ़ाया गया। आपको बता दें कि महोबा में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, योगा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें योगा प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में जनपद महोबा पुलिस टीम फाइनल में विजय रही, तो वहीं महिला वर्ग में जनपद प्रयागराज पुलिस टीम जीती। बास्केटबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में जनपद हमीरपुर पुलिस की टीम जीती, तो वहीं महिला वर्ग में जनपद बांदा पुलिस की टीम ने जीत हासिल की। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में जनपद प्रयागराज की टीम जीती, तो वहीं प्रतियोगिता के अन्य मैच लगातार हो रहे हैं। प्रयागराज जॉन की 25वीं अंतर जनपदीय पुलिस वार्षिक बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, योगा प्रतियोगिता 2022 का समापन 14 मई को होगा, जिसमें जीती हुई टीमों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। महोबा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक आयोजित की गई। दरअसल आपको बता दें कि आयोजित हुई बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खोदने की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द गड्ढा खोदने, गड्ढों में मिट्टी और खाद डलवाने का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने पर्यावरण विभाग के अधिकारी को पर्यावरण विभाग के 3,51,288 पौधे रोपित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 58,000 गड्ढे खुदाई का कार्य होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी विभाग के अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल ग्राम पंचायत में बैठक कर जमीन का चयन करें और गड्ढा खोदने का कार्य पूरा कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि पीपल तथा पलाश के पौधों को तालाबों के किनारे लगवाएं, इसका बीज वन विभाग से प्राप्त करें। सभी SDM से कहा कि 5 एकड़ की जमीन के प्लाट खाली पड़े हैं, इसकी सूचना जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी को रहलिया सूर्य मंदिर के पास अमृत सरोवर तालाब बनवाने के निर्देश दिए तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि तालाब का विकास कराने के लिए उपाय करें और लहचूरा डैम के शुद्धिकरण का कार्य पूरा प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजें। उन्होंने कहा कि पलाश के 2.5 लाख पौधे जनपद में तालाबों के किनारे लगाए जाएंगे। महोबा जनपद के कढ़हरा खुर्द गाँव के व्यक्ति का आरोप है कि उसके पुत्र से उसका विवाद होने के बाद शिकायत करने वह कोतवाली गया तो पुलिसकर्मी द्वारा उसे मारा पीटा गया। दरअसल आपको बता दें, करारा खुर्द गांव का रहने वाला बाबूलाल पूरे मामले की शिकायत लेकर आज पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँचा है। उसका आरोप है कि उसका अपने ही पुत्र से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ा कि वह पूरे मामले की शिकायत लेकर चरखारी कोतवाली पहुँचा। लेकिन उसका आरोप है कि यहाँ तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट कर दी गई। इस मामले में वह आरोपियों पर कार्रवाई की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुँचा है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हो? खुर्द कढ़हरा के रहने वाला। अच्छा, क्या घटना हो गई? मैं, हमारा लड़का का हमारा विवाद था। लड़का ने गाली दी, मैंने कि साहब बेटा मुझे बाप की गाली नहीं दिया जाता है, मैं तो ही शिकायत कर दूंगा। तो मैंने कई देर बर्दाश्त किया, मैंने कि चल लड़का आ सा तो अभी लाइन में आ जाए, अब लाइन आ जाए, एक तमाचा मार दो। मैंने तो समझ गया आप जाऊँ चौकी, मैं शिकायत कर दूँ। रिपोर्ट वपोर्ट कोई नहीं लिखी है, शिकायत बनना हुआ कल करा है। तो जरूर मैंने कहा वो भी पिए थे पुलिस वाले, दारू दारू पिए थे पुलिस वाले, शाम के पिया थे, तो वहाँ जानू है पीते हैं दिन भर वो करते हैं, शाम के दारू पीते। क्या हुआ फिर? चौकी गए? चौकी गया, पुलिस वाले ने मेरे को लाठी मार दी और लोटा लोटा मारा। बुढ़ा मतलब 64 साल का मैं उम्र का हूँ, आप लीजिए आधार कार्ड है मेरे पास। मारपीट की? हाँ। और क्या किया आपके साथ? ये है कि ये जेब में पैसा डाले थे, किसी को देना था
इसने पैसे छोड़ा लिया और दरोगा ने मारा। दीवान यहीं हैं, दीवान ने नहीं मारा, दीवान यहीं है मौजूद। मैंने आया आज आप शिकायत करने, हैं शिकायत करने कहाँ आए हैं? हमें साहब को आए, एसपी साहब को। किसने किसने मारा है आपको? दरोगा ने मारा, पुलिस वाले ने मारा, दीवान ने नहीं मारा। महोबा में शिक्षा के सुधार के लिए विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ग्राम नटर्रा के विद्यालय को गोद लिया है और इस विद्यालय की कायाकल्प की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत हमेशा अपने बेहतर कार्यों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें एक और ऐसा कार्य किया है जिसके लोग कायल हो गए और हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। शिक्षा में सुधार के लिए चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने चरखारी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नटर्रा के विद्यालय को गोद लिया और उन्हें इसके कायाकल्प का दावा किया है, जिसे गांव के बच्चों को गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल सके उनके इस कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है। ABSA गौरव शुक्ला ने चरखारी विधायक के आवास में पहुंचकर इस बाबत प्रपत्र में हस्ताक्षर लिए। इस दौरान चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश भी दिए और विधायक द्वारा गोद लिए गए विद्यालय को सजाने संवारने पर जोर दिया गया। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा और आगामी समय में विधानसभा के हर ब्लॉक से एक विद्यालय को गोद लेकर उच्चीकरण किया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य बेहतर हो सके। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत हमेशा अपने बेहतर कार्यों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। महोबा जनपद के चरखारी कस्बे में 25 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से संदिग्ध दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि चरखारी के गोवर्धन पार्क स्थित मलखान सागर नामक तालाब में 25 वर्षीय एक युवक की डूबकर आज दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि मौत के कारणों का सही पता नहीं चल सका है। चरखारी के अमरगंज निवासी सुमित साहू, जिसकी उम्र 25 साल है, उसका शव अचानक तालाब में उतराता हुआ देख लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाल लिया है और पंचनामा भरकर सुमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। बताया जाता है कि सुमित के सर और होंठों पर चोट के निशान हैं। ऐसे में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। महोबा के जुखा गांव में पति की दूसरी शादी होने पर पहली पत्नी का हंगामा, पीड़िता के साथ हुई मारपीट, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। महोबा में पहली पत्नी होने के बाद भी पति ने दूसरा विवाह कर लिया और जब पहली पत्नी को इसकी भनक लगी तो अपने ससुराल में पहुंचकर अपने हक और अधिकार की गुहार लगाई, मगर ससुराली जनों ने उसकी सुनना तो दूर बल्कि उसे घसीट कर घर से निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत कराया। दरअसल है पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जुखा गांव से जुड़ा है। बताया जाता है कि जनपद जालौन के चतेरा गांव में रहने वाली कल्पना का विवाह महोबा शहर के जुखा इलाके में रहने वाले आदेश से वर्ष 2011 में हुआ था। आरोप है कि आदेश शराब के नशे में आए दिन पहली पत्नी कल्पना के साथ मारपीट करता था, जबकि उसके 6 वर्ष का एक पुत्र रवि भी है, मगर पति की मारपीट की करतूत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हद तो तब हो गई जब वर्ष 2018 में शराबी पति आदेश अपनी पत्नी को मारपीट कर उसके मायके छुड़ाया, जिसके बाद उनके विवाद का मुकदमा न्यायालय में चलने लगा। पीड़ित कल्पना सब कुछ ठीक होने की राह देख रही थी, लेकिन इस दौरान पति ने दूसरा विवाह करते हुए उसकी सौतन घर ले आया। ऐसे में पहली पत्नी ने घर पहुंचकर अपने हक की बात की तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ससुराल में ही रहने की जिद पर अड़ी रही। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कहा सुनी और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। क्या नाम है आपका? कल्पना। क्या हो गया यहाँ पे आज? यहाँ मुझे मार रहा है, घर से बाहर निकाल रही थी सब लोग, जो दूसरी विदा करा के ले आई वो भी, नंद भी, सास भी, सब लोग की। हम इसलिए आए थे कि हमें चाबी दे दे कमरा की, हम इधर ही रहेंगे, तो जो लोग बाहर निकाल रही थी। कौन है आप, क्यों आई थी यहाँ पे? हमारे ये ससुराल है, हमारा घर है। तो आप यहाँ ससुराल में नहीं रह रही थी? रह रहे थे, जो लोग मार के मुझे कर आए थे दीपावली भैया दोज को, और उधर दारू पी करके मुझे मारती रही पीटती रही। लड़का भी है, उसको कह रहे है कि मेरा बच्चा नहीं है, अब बताओ मैं क्या करूँ, दूसरी शादी करके बैठ गया है।
अच्छा मुकदमा चल रहा है क्या आपका? हाँ, इन लोगों ने मार के मुझे भेजी आई थी, और इधर 1 किलो चांदी, आधा किलो सोना, 50,000 रुपया लेकर कल्पना 12 बजे रात को भाग गई है, ऐसे लिखवा दिया था। इसके बाद भी 1 महीना बाद हमने फिर मुकदमा किया है दहेज पीड़िता का। आपका जब मुकदमा आप चल रहा है तो इन लोगों ने शादी कैसे कर ली? इन्होंने हमें बताया लगी नहीं, हम ये इसके मार हम रह रहे थे कि अभी सुधर जाएंगी तो खुद लुबाला जाएंगी। फिर भी इन लोगों ने मुझे एक भी खबर नहीं की है कि मरती है कि जीती है, कैसे लड़का है कैसे नहीं है। मेरे मैं माँ बाप की बेटी साथ में चली गई, भट्टन गुम्मा बातती रही। आपको अभी कैसे पता चला कि कल मेरे पास फोन आया था, परिवार वालों ने बताया है मुझे, तब मैं यहाँ पर आज आई हूँ। सवेरे से खाना लगे नहीं किया है, ऐसी बड़बड़ात फिर रही हूँ मैं। इधर आई हूँ, पता लगाते तो मैं इधर आ गई हूँ। चाबी मांगने लगी थी तो मुझे घर से बाहर निकालने लगे, मारने लगी। किस सास ने, नंद ने, और जो नाई है दूसरी विधा होके वो भी ने मारा। हाँ पता नहीं कहीं को भाग गया है वो। महोबा के कैमहा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल बताया जाता है खैला थाना क्षेत्र के पैरथा गांव के रहने वाला सुरेश पुत्र जगदीश और सत्येंद्र पुत्र बाबूराम अपनी बाइक में सवार होकर मध्य प्रदेश के अटरा सरकार दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी कैमहा के पास अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस मोहब्बा जिला अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन यहां सत्येंद्र की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे झांसी मेडिकल के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। सर, दो घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, एक को रेफर भी किया गया है, क्या है ये मामला? इन दो पेशेंट आए थे एक्सीडेंटल इंजरीज के, तो उसमें से एक की पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, तो उसको यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। दूसरे पेशेंट को मामूली चोटें थी, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। महोबा के कमरई में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में मायके के पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कमरई के गांधीनगर इलाके का है। बताया जाता है कि चखारी कोतवाली क्षेत्र के लोहारी गांव के रहने वाले लखन ने अपनी पुत्री रजनी का विवाह कमलेश से किया था, जिसके बाद कमलेश और ससुराली जन उसे ईंट पत्थर के भट्टे पर काम करने के लिए ले गए, जहां बताया गया कि उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि उसकी पुत्री की संदिग्ध मौत हुई है, उनके द्वारा ससुरालियों पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप ससुरालियों पर लगाए हैं और सभी पर कार्रवाई की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? लखन। कहाँ के निवासी? लोहारी। क्या घटना हो गई? घटना ये हो गई साहब, लड़की को मार डाला उनने, ससुरे वालों ने। कब शादी की थी आपने लड़की? शादी करी थी हमने अगली साल, मतलब 2021 में, 14 मई की मतलब शादी थी। दो बार लड़की आई हमारे घर पे, तीसरी बार ले गए भट्टन चले गए, भट्टों में मान लो मार डाला उनने। पहले नहीं करते थे, जब भट्टन पहुंच गए जब इनने मारपीट करी। तो लड़की ने बताया आपको? हाँ बताया। तो मैंने, लड़की कह रही थी पापा मेरे को ले जा, मैंने उससे कहा बेटा मेरे को रात भरे के लिए टाइम दे दो, मैं सुबह आपके पास आ जाऊँगा। पता चला कि रात भरे में उनने मार मोर के घर ले आए। क्या कोई मांग आंग भी करते थे ये लोग? मांग करते थे दहेज की। किसने किसने मारा है? सास ने, नंद ने, देवर ने, पति ने। घूसों घूसों मारा, घूसों घूसों में इनने प्राण ले लिए। इसके बाद मान लो फांसी का उनने अफवाहें बना लिया। महोबा शहर कोतवाली में डीएम और एसपी की मौजूदगी में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमीन में हुए कब्जे की शिकायत की गई, जिस पर डीएम ने सख्त निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा के शहर कोतवाली से जुड़ा है। आज शहर कोतवाली में थाना दिवस के मौके पर जिलाधिकारी मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान आलमपुरा इलाके में रहने वाले सुरेंद्र तिवारी और उसकी पत्नी ने भी
उनकी जमीन पर हुए कब्जे की शिकायत की, जिसको लेकर डीएम ने सख्ती दिखाते हुए उक्त जमीन की तुरंत नाप कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जमीन की नाप कराई जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा आने वाले अन्य फरियादियों की समस्याओं को भी थाना समाधान दिवस पर सुना गया है। आपका सुरेंद्र तिवारी, थाना दिवस में आए थे, जिलाधिकारी से बात हुई, किस तरीके का मामला है, क्या निर्देश दिए जिलाधिकारी? लेखपालों द्वारा हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है, और शिकायत की है, शिकायत की है डीएम साहब से। डीएम साहब ने तत्काल हमारी जमीन जो है नपवाने का और जो अवैध निर्माण हुआ उसको तोड़वाने का आदेश दिया है। कहाँ पे है ये? आलमपुरा में। उनमें अभी टीम बना के जा रही है, अभी 12 बजे निकल जाएगी टीमें राजस्व और पुलिस की संयुक्त रूप से। क्या मामला था सर? वो भूमि का बैनामे का जमीन है, उसी का है, एक जमीन का दो बार बैनामा हो गया है, तो उसी के लिए कुछ गिरवाने का निर्देश भी दिया है, कोई अवैध निर्माण हुआ नहीं? इसमें गिरवाने का नहीं दिया, इसमें अभी तो नाप करा के इनको कब्जा कराने की बात है, जो महिला आई है। मोहब्बत टाइम्स में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आगे फिर आपके साथ मुलाकात होगी और आपको दिखाएंगे मोहब्बत टाइम्स में मोहब्बत की हर एक खबर। इरफान पठान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।